उधर बड़ी खबर आई इसराइल और हमास की जंग से जुड़ी। इसराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी को ड्रोन अटैक में मार गिराया। ड्रोन अटैक रात में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ। इसके बाद हमास ने दावा किया कि इस हमले में उसके डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी के अलावा दो और लोगों की मौत हो गई। हालांकि इसराइल ने इस बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान में छिपकर बैठा हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी मारा गया। और यह खबर सुनकर सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हूथी लड़ाके लेबनान और ईरान का पारा भी चढ़ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की यह खबर के खबर देने के बाद हमास ने खुद इसकी पुष्टि की। देखते ही देखते हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और वेस्ट बैंक के रमल्ला में प्रदर्शन शुरू हो गया। हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी की मौत का मातम मनाने के लिए भीड़ वेस्ट बैंक की सड़कों पर उतर आई। लोग तालियां बजाकर नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे ये लोग हमास समर्थक थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी नहीं रहा, इन लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि मातम के नाम पर हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। रमल्ला इलाके में रहने वाले इन लोगों ने फिलिस्तीन के हक की लड़ाई जारी रखने के लिए नारे लगाए और कई घंटों तक यूं ही नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। क्योंकि साले अल अरौरी हमास का कोई छोटा कमांडर नहीं था, वो हमास का डिप्टी कमांडर था। साले अल अरौरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक था। वो अल कसाम ब्रिगेड ही थी जिसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था और लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन अटैक करके इसराइल ने उसी का बदला लिया। क्योंकि ड्रोन अटैक में बर्बाद हो चुकी इस इमारत में अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक साले अल अरौरी छिपा था। ये दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया। इस इमारत की हालत देखकर अंदाजा लग गया कि ड्रोन अटैक कितना ताकतवर था। इसके जिस हिस्से से ड्रोन टकराया वहां तो कुछ बचा ही नहीं, केवल काला धुआं और खंडहरी नजर आया। आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं और केवल उनका ढांचा बचा। ये हमला लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से के दहिया इलाके में हुआ। दहिया में हमास का कार्यालय भी है और अटैक होते ही रातों रात ये खबर फैल गई कि दहिया पर इसराइल ने हमला किया और हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी को खत्म कर दिया। हमास ने तो इसकी पुष्टि भी कर दी, लेकिन इसराइल की सेना ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, क्योंकि उसकी सेना औपचारिक तौर पर केवल गाजा में जंग लड़ रही है और लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन स्ट्राइक की बात मानने का मतलब है कि जंग का एक और मोर्चा खुल जाए। माना जा रहा है कि इसराइल की सेना इसीलिए हमास के डिप्टी कमांडर को मारने की बात नहीं मान रही। लेकिन बेरूत से आई इन तस्वीरों को सबूत बताकर हमास ने इस खबर पर मोहर लगा दी। हमास ने माना कि काले धुएं से भरी इस बिल्डिंग में उसके डिप्टी कमांडर के अलावा दो और लोग थे। ड्रोन अटैक में वो भी मारे गए, जिसके बाद इसराइल और लेबनान के बीच खुली जंग का रास्ता बन सकता है। क्योंकि ड्रोन अटैक के बाद लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इसराइल ने साले अल अरौरी की हत्या की है। उन्होंने इसे इसराइल का वॉर क्राइम बताया और इसे लेबनान को युद्ध में खींचने की कोशिश माना। साले अल अरौरी की हत्या पर ईरान और हूथी लड़ाके भी भड़के। साले अल अरौरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक था और अमेरिका ने उस पर पिछले साल $5 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था।